हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल श्री राम इलेक्ट्रिक दौलतपुरा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कूलर की मोटर को किस प्रकार रिवाइंडिंग किया जाता है। देखो, ये 37 नंबर का एल्यूमिनियम वायर है, इससे हमें कोइल बनानी है। रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर दोनों में 37 नंबर का वायर ही यूज़ होगा। चलो तो मैं कोइल कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो, ये मैंने रनिंग वायरिंग है, इसकी दो कोइलें कंप्लीट कर ली है। चलो तो हम इसे स्टेटर में डालते हैं। देखो, ये हमारा कूलर का जो मोटर है, इसका स्टेटर है। हमने इसमें पीवीसी पेपर लगा कर कंप्लीट रखा है। अब क्या करना है, एक कोयल लेना है और इसे कोई भी एक स्लॉट में डाल देना है। देखो, इस तरह से आपको जो कोयल का जो सिरा है वो लेफ्ट साइड में रखना है और जो दूसरी कोयल के अटैच में जो वायर है वो राइट साइड में रखना है। देखो, मैंने ये स्लॉट में कोयल को लगा दिया। अब क्या करना है, बीच में 6 स्लॉट खाली रख देना है और फिर से इस कोयल को वो स्लॉट में डाल देना है, 6 स्लॉट छोड़ के। देखो, इस तरह से मैंने बीच में 6 स्लॉट खाली रख दिया है। देखो, गिन लो 6 स्लॉट, यानी कि हमारी पीस हो गई 1 से 8। फिर क्या करना है, अब हमें 1 से 10 की पीस में डालना है। देखो, ये हमारा लेफ्ट साइड का वायर। देखो, इस तरह से कोयल को मोड़ कर जो बाजू का स्लॉट है उसमें डाल देना है। देखो, इस प्रकार से। इस कूलर की मोटर को रिवाइंडिंग करना बहुत ही आसान होता है। हमने 37 नंबर का एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया है। ये हमारी दो रनिंग कोयल का सेट है। देखो, इस तरह से मोड़ कर अब तीसरी बार डाल देना है। देखो, इस तरह से मैं पूरा दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से मोड़ कर डाला जाता है। देखो, इस तरह से आपको तीसरी बार डाल देना है कोयल में। देखो, ये एक रनिंग का एक कोयल का सेट हमारा कंप्लीट हो गया। ये रनिंग कोयल है, इसमें हमने 280 टन दिए हैं 37 नंबर एल्यूमिनियम वायर से। देखो, हमारी एक कोयल कंप्लीट हो गया। अब हम रनिंग की दूसरी कोयल लगाएंगे। अब क्या करना है, हमारे साइड जो ये वायर है उसे सामने की साइड रखना है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। देखो, हमारी साइड का सिरा है और राइट साइड में चला गया।
देखो इस तरह से। जिस तरह हमने पहले कॉइल डाली थी वैसे ही इस कॉइल को भी डालना है, बीच में 6 स्लॉट खाली रखना है। और दोनों साइड दो दो स्लॉट रखना है, यानी कि हमारे जो कॉइल है उसे हमें 3 बार डालना है। हमें जो दो सिरा निकाला है उसे अच्छे से देख लेना है। दूसरी बार भी सिरा हमारी साइड ही रहना चाहिए, तभी आपका कॉइल ठीक से बैठा है। इसे रिवाइंडिंग करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, 15 मिनट में रिवाइंडिंग हो जाता है। देखो ये तीसरी बार हम डाल रहे हैं। देखो इस तरह से आपको कॉइल को मोड़कर तीसरी बार डाल देना है। आपको स्टेटर के बारे में जानकारी चाहिए, कितने सेमी का है, कितनी इसकी गोलाई है, तो सभी में डिस्क्रिप्शन में लिख कर रख दूंगा, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। देखो ये मैंने कॉटन टेप लगा कर कंप्लीट कर लिया है रनिंग वायर के ऊपर, यानी कि हमारा रनिंग वायर है और स्टार्टिंग वायरिंग से मैच ना हो जाए, उसके अटैच में ना आ जाए। चलो तो हम अब स्टार्टिंग वायरिंग कंप्लीट करते हैं। देखो स्टार्टिंग वायरिंग में भी 2 कॉइल आएगी, वो भी मैंने 34 नंबर से ही बनाया है। अब इसमें क्या करना है, बीच में हमें जो रनिंग का सेट है उसको हमने डाला है, वो 6 स्लॉट खाली छूट जाएगा, और फिर 1 से 8 के पीस में हमें एक कॉइल डालना है, और इसका जो वायर है वो हमारी साइड रखना है सिरा। जैसे हमने रनिंग का सेट डाला था वैसे ही अब स्टार्टिंग का सेट डालना है। स्टेटर की साइज है 2.2 mm। यानी कि 22 mm। देखो इस तरह से आपको कॉइल को लगाना है। इसमें भी हमें क्या करना है, एक कॉइल को 3 बार घुमाना है, 1 से 8 के पीस में, फिर 1 से 10 के पीस में, और 1 से 12 के पीस में। वायर टूट न जाए इसका आपको पूरी तरह से ख्याल रखना है, वरना एल्यूमिनियम का वायर है उसका सोल्डरिंग भी नहीं होता है।
देखो ये हमारा स्टार्टिंग का एक कोयल है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारी आखिरी एक कोयल बसी है स्टार्टिंग की। देखो ये वायर में किस तरह से डालता हूँ वो आपको देखना है। देखो ये कोयल का सिरा है वो हमारे साइड है। देखो इसी प्रकार से आपको कोयल डालना है, वरना क्या होगा इसकी पीड़ नहीं आएगी और कोयल जल जाने का पूरा पूरा चांसेस रहेगा। मैं जो डेटा बताता हूँ आपको वो पूरी तरह से मैंने यूज़ किया हुआ डेटा है। और इससे क्या होता है, कूलर की जो मोटर आती है उसकी स्पीड भी बहुत ही हाई रहेगी, यानी कि अच्छी स्पीड आएगी। हाई स्पीड का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग वायरिंग है इसमें हमने 37 नंबर का 260 टर्न दिया है। रनिंग में हमने 280 टर्न दिए थे और स्टार्टिंग में हमने 260 टर्न दिए हैं। देखो इस तरह से आपको धीरे धीरे कोयल के तार स्लॉट में डालना है और काट टूटे नहीं इसका भी ख्याल रखना है। रनिंग की जो कोयल थी इसकी लंबाई हमने 75 सेमी रखी थी। और जो स्टार्टिंग की कोयल है इसकी लंबाई हमने 73 सेमी रखी है। इसी प्रकार से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो आप तक को वीडियो पहुँचता रहे। देखो ये हमारा स्टार्टिंग का कोयल है वो भी कंप्लीट हो गया। देखो कितना अच्छे से रिवाइडिंग हुआ है, सेब भी अच्छा है। चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।